तो हेलो दोस्तों, आज हम सारे साइंटिस्ट के नाम, जैसे मैंने पोल कंडक्ट करवाया था कि किसको चाहिए कि साइंटिस्ट के सारे नाम एक शीट में हो जाए, ताकि क्या हो कि आपको फाइनली जब आप रिजन करो तो आपको इजी पड़े। क्या होता है, बहुत लोग आपको प्रोवाइड करेंगे साइंटिस्ट के नाम की लिस्ट, लेकिन उसमें तीन टाइप के होंगे। एक होगा जो एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा भी साइंटिस्ट है, उससे क्या होगा जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट होते हैं वही आप भूल जाओगे। सेकेंड होगा जिसमें एनसीईआरटी के मेन मेन साइंटिस्ट ही गायब हो गए, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी होगा जो एकदम एनसीईआरटी प्रिसाइज होगा, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि लास्ट में जब नीट का एक दिन बच जाएगा तो आप इसे एक बार रिवाइज करोगे और आपको सारे साइंटिस्ट याद हो जाएगा और 8 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और रोज़ आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए, उससे क्या होगा आपके सारे साइंटिस्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आप 2-3 दिन लगातार रिवाइज करते रहिए और आपको ये इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर, ही इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला है उनको और बायोलॉजी का कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया उन लोगों ने, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखने हैं। अर्नेस्ट मेयर का नाम आया, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहेंगे, उसके बाद उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला है और बायोलॉजी का कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया है। उसके बाद कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है और ये तीन चीज़ में इंपॉर्टेंट है बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सेकंड है दो किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम थे, प्लांट एनिमल और आर्टिफिशियल सिस्टम तो पता ही आपको, ठीक है। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने क्या किया था, अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई, उन्होंने आपको पता है एनिमल्स को और प्लांट्स को डिवाइड किया। एनिमल्स में एक वो थे जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे, एक वो थे जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थे, प्लांट्स में हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद आर एस विटेकर, इनका ईयर इंपॉर्टेंट है 1969, इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन से 5 किंगडम थे पता है आपको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 1969 ईयर इंपॉर्टेंट है। उसका पैश्चर, पैश्चर ने नेम टर्म टर्म दिया वायरस, नए एनसीईआरटी में ये मिसिंग है, नए एनसीईआरटी में डायरेक्ट डीजे आइवंस की दिया हुआ है, तो याद रखना पैश्चर ही है, वो पैश्चर ही होगा आंसर। पुराने एनसीईआरटी में दिया हुआ था, नए एनसीईआरटी में वर्ड मिसिंग है, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, वर्ड गिवन बाय पैश्चर। उसके बाद दिमित्री आइवोंस्की, इनका ईयर इंपॉर्टेंट है 1892, 1892, ठीक है। ही रिकॉग्नाइज कॉस्टल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोजेक डिसीज ऑफ टोबैको, मतलब उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो टोबैको में मोजेक डिसीज कॉज कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा तो उन्हें समझ में आया ये तो वायरस है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहे, तो इन्हें समझ में आया ये तो वायरस है। अभी तक हमने 6 साइंटिस्ट एकदम सक्सेसफुली देख लिए। ईयर किस किस का याद रखना है, आर एच विटेकर का, दिमित्री आइवोंस्की का, 1969 1892। अब आते हैं हमारे 7th साइंटिस्ट पे, आप देखते सेवंथ नंबर पे देखिए आप, एम डब्ल्यू बेजरिंग, 1898, ये भी ईयर याद रखना है, 1898, 6 साल बाद, ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, कॉन्टेजम विवरम फ्लूडम, मतलब अगर एक प्लांट में वायरल डिसीज है तो वो दूसरे प्लांट में कंटेजियस होगा, मतलब दूसरे प्लांट को दे देगा, इसे कहते हैं कंटेजियम विवरम फ्लूडम, ऐसा कोई फ्लूड है जो कंटेजियस है, ठीक है। स्टैनली 1935, ईयर याद रखना है, वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्रिस्टलाइज किया वायरस को, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज किसने कहा, स्टैनली ने कहा, ठीक है। इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1935। उसके बाद टीओ डिनियर 1971, ईयर इंपॉर्टेंट है 1971, डिस्कवर्ड वायरोइड्स, वायरोइड्स पता है आपको वायरसेस से छोटे होते हैं, ठीक है, ये भी इन्फेक्शियस होते हैं। इसका डिजीज का नाम क्या था, कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। उसके बाद आते हैं हम अगले साइंटिस्ट पे, बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है। क्या है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम, बेंथम एंड हुकर सिस्टम, आपने सुना होगा नाम, अभी आपको समझ में आ गया। आर्टिफिशियल किसने दिया था, आर्टिफिशियल दिया था हमारे कैरोलस लिनियस ने, नेचुरल किसने दिया, नेचुरल दिया हमारे बेंथमैन हुकर ने। अब आते हैं 11th नंबर पे, कैथरीना इसाऊ जो है, ये मॉर्फोलॉजी के पहले एक टेबल बना हुआ है साइंटिस्ट के इंफॉर्मेशन का, वहाँ पे दिया, और इंपॉर्टेंट दो ही पॉइंट है, आप पढ़ते हैं मत बेटे सब कुछ, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथरीन इसाऊ, शी वर्कड ऑन कर्ली टॉप वायरस, कौन सा वायरस, कर्ली टॉप वायरस, फ्लोएम में कंडक्शन होता है कर्ली टॉप वायरस का, वो स्टडी किया किसने, कैथरीन इसाऊ, यही मैंने पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें मेजोरिटी ऑफ बच्चे ने आंसर रॉन्ग किया। उन्होंने बुक लिखा था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, कौन सा बुक लिखा था, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, याद रखना है ये पॉइंट, और ये नीट का पॉइंट है, ठीक है, 2020 में आ सकता है ये। जी एन रामचंद्रन, अगला पॉइंट, नीट ओडिशा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, जी एन रामचंद्रन बायोमोलिक्यूल, सॉरी
सेल साइकिल जो सेल बायोलॉजी चैप्टर है उसके पहले दिया हुआ है साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन में उनकी इंफॉर्मेशन डिस्कवर्ड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किसने किया, जी एन रामचंद्रन। रामचंद्रन प्लॉट दिया और अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटर शीट्स पे काम किया, ठीक है। तीन पॉइंट याद रखने, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, रामचंद्रन प्लॉट, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटर शीट्स पे काम किया। उसके बाद आते हैं अगले साइंटिस्ट पे, एंटोन वॉन लीवेनविक। फर्स्ट डिस्क्राइब लाइव सेल, लाइव जिंदा सेल को डिस्क्राइब किसने किया फर्स्ट टाइम, एंटोन वॉन लीवेनविक। फर्स्ट सेल डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक, लेकिन वो जो था वो था डेड सेल, ठीक है। अगला पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईयर इंपॉर्टेंट है 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, किसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, सिंपल पॉइंट 1831 में, ठीक है। एम्स क्लीडन, ठीक है, 1838 याद रखना है। उसके वो कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये इंपॉर्टेंट है, क्या थे वो, जर्मन बॉटनिस्ट, क्लीडन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। क्वांग कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ईयर याद रखो 1838 1839, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये तो याद रखना है कि जर्मन बॉटनिस्ट कौन था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन था, ठीक है। कन्फ्यूज कर देंगे आपके पेपर में, आप कहोगे एनसीईआरटी के भारत का क्वेश्चन था, जर्मन बॉटनिस्ट क्लीडन, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट क्वांग, इन्होंने डिस्कवर क्या किया, सेल थ्योरी दी इन लोगों ने, सेल थ्योरी किसने दी, इन दोनों ने दी। एक और पॉइंट जो याद रखना है, स्क्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर किया, ये छुपा हुआ है एनसीईआरटी में लेकिन इंपॉर्टेंट है, आया क्वेश्चन तो हमको आंसर टिक करना है। स्क्वान जो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, कौन थे, जूलॉजिस्ट, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर किया। जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल का स्टडी करने वाले, और एनिमल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ होता है, सेल वॉल तो होता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्लांट्स में होता है, सेल वॉल फंगाई में होता है, मोनेरा में होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। अब अगला, ठीक है, इन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने दिया ओमनी सेलुला ई सेलुले, ठीक है, मतलब कि जो सेल्स पहले से थे उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बनाए, ठीक है, इसे कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुले। ही गेव सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप, यही वर्डिंग याद रखनी है, मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ उसको आपको याद रखना है। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला गेव सेल थ्योरी फाइनल शेप। सिंगर एंड निकोलसन 1972, ये ईयर याद रखना है क्योंकि आगे भी ये साल आएगा, ठीक है, 1972, ठीक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया, कौन सा मॉडल दिया, सिंपल है, ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने मिलकर फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया। कैमिलोगोल्जी 1898 में, 2 साल पहले, ठीक है, 1900 के 2 साल पहले, कुछ तो करके याद कर लो, ठीक है, या फिर नहीं भी हुआ ना तो लास्ट डे में मैं आपको शीट दे दूंगा, आपको रिवाइज करना है तो आपको फ्रेश मेमोरी में रहेगा, तो आप जाके एग्जाम में सीधा सब कुछ करके आ जाओगे। डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज, क्या डिस्कवर किया, गोल्जी बॉडीज। उसके बाद जॉर्ज पैलेडे, नाम से समझ में आपके, गोल्जी मतलब गोल्जी बॉडी। जॉर्ज पैलेडे ने क्या किया, 1953 में डिस्कवर्ड राइबोसोम्स, ठीक है, इसका ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद होता तो अच्छी बात है। पैलेडे ने राइबोसोम। फ्लेमिंग ने क्या किया ना, स्टेंड न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस को स्टेंड किया बेसिक डाई के साथ, कौन सा डाई था, बेसिक डाई, याद रखो एनसीईआरटी में दिया है, बेसिक डाई। उस बेसिक डाई का नाम था एसिटोकार्मिन, वो याद नहीं भी चलेगा लेकिन उन्होंने नाम दिया था क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। कैसे दिया, बेसिक डाई के साथ स्टेन करके। अगला, 21st तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है, होने वाला है, जल्दी से हम खत्म कर देंगे। जूलियस वॉन साच, ठीक है, इन्होंने दो काम किए, कौन से काम किए, 1860 में एक काम किया, 1854 में एक काम किया, 1860 में एक काम किया, 1854 में एक काम किया, 1860 में क्या किया, डिस्कवर्ड हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट्स को ग्रो करना इन एब्सेंस ऑफ सॉइल, मतलब एब्सेंस सॉइल नहीं है, मिट्टी नहीं है, फिर भी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, उस टेक्निक को कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स। कब किया था वो, 1860 में, सेकंड पॉइंट, 1854 इस साल क्या किया था, उन्होंने फोटोसिंथेसिस पे काम किया और कहा, एविडेंस दिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। उन्होंने कहा जब प्लांट्स बड़ा होता है, जब वो फोटोसिंथेसाइज करता है तब ग्लूकोज बनता है, उसका उन्होंने एविडेंस दिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अगला, मोल्ड, बेल जार एक्सपेरिमेंट याद होगा आपको, एसेंशियल रोल ऑफ एयर डिस्कवर किसने किया, मतलब एयर इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये किसने कहा, जोसेफ प्रिस्टली ने कहा। कब कहा, 1770 में, 1774 में जोसेफ प्रिस्टली ने डिस्कवर्ड ऑक्सीजन,
ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दो काम, ये पूरे एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, ठीक है, एसेंशियल रोल ऑफ एयर, दूसरे फिशले 1774 डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, अगला पॉइंट जैन इंगेनहाउस, उन्होंने डिस्कवर किया सनलाइट एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस, इजी, जैन इंगेनहाउस ने कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एसेंशियल है। टी डब्ल्यू एंगलमैन, इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, इन्होंने क्या दिया, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने दिया था, टी डब्ल्यू एंगलमैन, उन्होंने काम किस पे किया था, क्लैडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया, क्लैडोफोरा और एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अगला पॉइंट, कॉर्नेलियस वॉन नील, ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये याद रखना है, क्या थे वो माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने कहा जो O2 मिलता है फोटोसिंथेसिस पे, फोटोसिंथेसिस से, वो CO2 से नहीं आता, वो H2O से आता है, ठीक है। कॉर्नेलियस वॉन नील जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा जो O2 है वो O2 फोटोसिंथेसिस में, जब O2 जो है वो जब इवॉल्व होता है वो आता है H2O से, पानी से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक है, अब 27th पॉइंट देखिए आप, ब्लैकमैन 1905 ईयर याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1905 में ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, शॉर्ट में बताऊँ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मतलब क्या, सारे फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं उसमें जो फैक्टर सबसे मिनिमम लेवल पे वो फोटोसिंथेसिस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, उसका क्वांटिटी जब हम अल्टर करेंगे तब फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट होगा, ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ब्लैकमैन ब्लैकमैन ब्लैकमैन, उसके बाद एमडेन मेयरहॉफ परनास, ठीक है, EMP, एमडेन मेयरहॉफ परनास ने क्या डिस्कवर किया था, ग्लाइकोलिसिस, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं, EMP पाथवे, ई मतलब एमडेन, एम मतलब मेयरहॉफ, पी मतलब परनास, ठीक है। उसके बाद हैंस क्रेब, क्या दिया था हैंस क्रेब ने, क्रेब साइकिल, जिसे हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, ईजी। उसके बाद चार्ल्स डार्विन और उनके सन, रिलेशन याद रखो, चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने डिस्कवर किया कि प्लांट्स जो है वो दिखाते हैं फोटोट्रॉपिज्म, सिलोटाइल्स ऑफ कैनरी ग्रास शो फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट की तरफ बेंड होना, जिसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, याद रखना है कैनरी ग्रास, कौन सा ग्रास, कैनरी ग्रास। उसके बाद FW वेंट ने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन डिस्कवर किया और आइसोलेट किया, किसने किया, FW वेंट ने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को आइसोलेट किया, डिस्कवर किया फ्रॉम ओट सीडलिंग्स, कौन से सीडलिंग्स, ओट के सीडलिंग से FW वेंट ने आइसोलेट किया ऑक्सीजन को। अगला ई क्यूरोसावा ने क्या किया, डिस्कवर्ड गिबरेलिन, ईयर जो है वो नए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद कर लो 1926, किसने डिस्कवर किया, क्यूरोसावा ने, क्या डिस्कवर किया, गिबरेलिन, ठीक है। उसके बाद एफ स्कूग ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड, एफ स्कूग ने बताया कि जो कैलस है, ठीक है, मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स जो होता है वो डेवलप होता है जब इन एडिशन टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंसेस दिए जाए, ठीक है, तब वर्ड पता नहीं था साइटोकाइनिन, तब उन्होंने क्या किया, क्या कहा ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या थे, वैस्कुलर टिश्यू थे, कोकोनट मिल्क थे, ठीक है, वो इंस्टेंट में आप देख लीजिए, सिर्फ ये वर्ड याद होना चाहिए कि ही सजेस्टेड, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटेड। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो है मिलर, 1955 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनिन्स को, जिन्होंने उनका मतलब उन्होंने जिसका नाम रखा काइनेटिन, क्या नाम रखा, KINETIN, मिलर ने आइडेंटिफाई और क्रिस्टलाइज किया। उसके बाद H कजिन्स 1910 में इथाइलाइन को डिस्कवर किया, इथाइलाइन कैसा हार्मोन है, गैशियस हार्मोन है, C2H4, ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, कजिन्स, दोनों कजिन, ठीक है, पता नहीं कजिन्स का, 1910 में, ठीक है, डिस्कवर किया ये सब। अल्फोंसो कॉर्टी ने डिस्कवर किया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, ही वर्क्ड ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स, ये क्वेश्चन आप रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज मेरा उसमें आप देख पाओगे, ठीक है। पी महेश्वरी, ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के 12th के इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, वर्क्ड ऑन इंट्रा ओवेरियम पॉलिनेशन एंड टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट था, क्या पी महेश्वरी ने काम किस पे किया, इंट्रा ओवेरियम पॉलिनेशन और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था फिर भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। जी मेंडल, ग्रिगोर मेंडल, पता ही है सबको, बाप है वो, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, सबसे बड़ा काम किया, काम किस पे किया, पाइसम सेटावियम पे किया, ठीक है, पी बोलते हैं इसे, गार्डन पी, ठीक है, ग्रिगोर जॉन मेंडल, इनका जो ईयर है ना जब इन्होंने काम किया वो याद रखना है, 1956 to 1963,
2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद ह्यूगो डिवराइस, कार्ल स्कोरेंस और वॉन टेस्टरमार्क, इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को। मतलब जो मेंडल का वर्क था ना अभी वो खत्म हो चुका था, कि मेंडल के वर्क को का ये नहीं मिला, फेम नहीं मिला। तो ये जो साइंटिस्ट थे 1900 में, क्या ईयर था 1900 में, ह्यूगो डिवराइस, कार्ल स्कोरेंस और वॉन टेस्टरमार्क, ठीक है आप इतना भी याद रख लो, VCT, ठीक है, राइस, कोरेंस और टेस्टरमार्क, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। उसके बाद सुटोन एंड बोवेरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया उन्होंने। क्या दिया सुटोन एंड बोवेरी ने? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, फैक्ट है सुटोन एंड बोवेरी। उसके बाद TH मॉर्गन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया क्रोमोसोमल थ्योरी का, वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी का TH मॉर्गन, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बहुत बड़ा चीज निकाला। उसके बाद अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, वो उनके स्टूडेंट थे, TH मॉर्गन के स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, जिन्होंने क्रोमोसोमल मैप निकाला, मैपिंग चालू किया। मैप्स का नाम आया तो हम बोलेंगे स्टुअर्ट वेंट। रिलेशन क्या था मॉर्गन और स्टुअर्ट वेंट पे? जो स्टुअर्ट वेंट थे वो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, मतलब मॉर्गन उनके टीचर थे। हेनकिंग, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ईयर भी याद रखना है, हेनकिंग 1891 में डिस्कवर्ड एक्स क्रोमोसोम। उन्होंने मतलब तब पता नहीं था क्रोमोसोम क्या था, तो उन्होंने बोल दिया उसको एक्स बॉडी, ठीक है। तो क्या आ गया, हेनकिंग ने दिया 1891 में एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद फ्रेडरिक मिशर, फर्स्ट आइडेंटिफाइड DNA एसिडिक सब्सटेंस इन 1869, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है, DNA को आइडेंटिफाई किया। किसको आइडेंटिफाई किया? DNA को। ईयर क्या था? 1869। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स ऑफ DNA, तो फेमस ही है, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया, 1953 में डबल हेलिक्स ऑफ DNA। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, जॉर्ज पैलेडे, वो भी था 1953, कनेक्ट कीजिए, राइबोसोम्स भी डिस्कवर्ड इसी साल हुए थे। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या दिया, एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक, ठीक है। इनकी टेक्निक को यूज करते हुए वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स दिया, ठीक है, याद कर लो। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इनका पूरा नाम है मॉरिस विल्किंस और रोसालिन फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किंस रोसालिंड फ्रैंकलिन, ऐसे कुछ तो है। एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया, उनका काम देख के वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स दिया। फ्रांसिस क्रिक ने एक और काम किया, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी दिया। क्या दिया? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा मतलब क्या? DNA से बनेगा RNA, RNA से बनेगा प्रोटीन, इसे कहते हैं सेंट्रल डोगमा। किसने दिया? क्रिक, क्रिक ने दिया, सिर्फ क्रिक। ग्रिफिथ 1928 डिस्कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर किसने किया? ग्रिफिथ ने किया 1928 में। काम किस पे किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। दो स्ट्रेन लिए थे, याद है क्या? रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद आते तीन साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी, ठीक है। इन्होंने डिटरमाइंड द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये तीन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, AMM, ठीक है। बायोकेमिकल नेचर डिटरमाइन किसने किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का? एवरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी, सब कनेक्टेड है। हर्शे एंड चेस ने क्या किया? अनइक्विवोकल प्रूफ, वर्डिंग याद रखो, ऑफ DNA एज जेनेटिक मटेरियल 1952। अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया DNA जेनेटिक मटेरियल का? हर्शे एंड चेस। साल कौन सा था? 1952, ठीक है। हर्शे एंड चेस ने अनइक्विवोकल, वर्ड याद रखो, क्या? अनइक्विवोकल प्रूफ दिया। उसके बाद आते हैं मिशेलसन एंड स्टाल पे। मिशेलसन एंड स्टाल ने सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन दिया, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट किया उस पर कि हाँ, DNA जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन दिखाता है, मतलब एक स्ट्रैंड रेप्लिकेट होता है, एक स्ट्रैंड रह जाता है वैसे ही, ठीक है। तो उसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक स्ट्रैंड एक साथ करेगा रेप्लिकेशन, पता है ना आपको, डार्क से दिखाते हैं N14, ठीक है, N15, हेवी हाइब्रिड, लाइट, वो सब 1958 में किया था। काम किस पे किया था? ई कोलाई पे, इशरिया कोली। उसका टेलर जो थे 1958 में, इन्होंने भी काम किया, लेकिन काम किस पे किया? विसिया फाबा एंड यूजिंग व्हाट? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ठीक है, ये भी दिया हुआ है NCERT में। उसके बाद जॉर्ज गैमो, इन्होंने दिया ट्रिपलेट कोड कहा, इन्होंने क्या किया? कहा कि जेनेटिक कोड जो हो है वो ट्रिपलेट है, मतलब तीन का सेट में, आपको पता है ना AUG UUU, इसे कहते हैं ट्रिपलेट कोड में है जेनेटिक कोड। ये कहा किसने? जॉर्ज गैमो। कौन थे ये? ये थे फिजिसिस्ट। कौन थे? फिजिसिस्ट, मतलब फिजिक्स वाले। उसके बाद नायरनबर्ग डेसिफर्ड द जेनेटिक कोड, इसमें एक और काम किया था हरगोविंद खुराना। किसने? हरगोविंद खुराना, ये भी दिया हुआ है NCERT में। उसका जैकोब एंड मोनार्ड, इन्होंने डिस्कवर किया लैक ओपेरॉन। क्या डिस्कवर किया? लैक ओपेरॉन। जैकोब जो थे वो थे जेनेटिस्ट और मोनार्ड जो थे वो थे बायोकेमिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
फ्रेडरिक सैंजर, इन्होंने डिस्कवर किया ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, ठीक है, ये भी दिया हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले पेज पे। फ्रेडरिक सैंगर या सैंजर जो भी है उनका प्रोनाउंसिएशन, इन्होंने डिस्कवर किया था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन सीक्वेंसर्स, ठीक है। एलेक जेफ्री, इन्होंने जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया, किसने दिया, एलेक जेफ्री, जेफ्री जो भी है, इन्होंने क्या दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया। उसके बाद आते ओपेरिन, ओपेरिन कहाँ के थे, रशिया के थे, हेल्डेन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है, मैंने कैसे याद रखा है इसको, आर ओ रशिया ओपेरिन, ठीक है, आपने सुना होगा आर ओ वाटर, वैसे थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इन्होंने दिया। इन्होंने क्या किया कि पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उससे कुछ बने बायो मॉलिक्यूल्स, उससे बन गई लाइफ, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, एस मिलर, ठीक है, अमेरिका के थे ये, कहाँ के थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जो ऊपर का एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद आता है अल्फ्रेड वैलेस, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट, यही याद रखना है, इनके इन्फॉर्मेशन है, ही वर्कड ऑन मलय आर्किपेलागो, क्या याद रखना है, नेचुरलिस्ट थे, नेचर की तरफ उनका काम ज़्यादा था और उन्होंने मलय आर्किपेलागो पे काम किया। उसके बाद अर्नेस्ट हेकल ने एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस दिया ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, क्या दिया, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, किसने दिया, अर्नेस्ट हेकल ने, ठीक है। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था, लेकिन जो एनसीईआरटी में है नहीं, कितना किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम। उसके बाद थे वॉन बेयर, वॉन बेयर ने क्या किया, डिस्प्रूव्ड दैट एम्ब्रायोस नेवर पास थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ अदर्स, ठीक है। ये जो अर्नेस्ट हेकल का जो एविडेंस था कि सारे का एम्ब्रायो सेम होते फिर वो चेंजेस होते, उसको डिस्प्रूव कर दिया वॉन बेयर ने, एग्री नहीं थे वो लोग, वॉन बेयर उनसे एग्री नहीं थे। तो ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो याद रखना है, ठीक है, किसने दिया था, वॉन बेयर, सिर्फ ये नए एनसीईआरटी में है, ठीक है। डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, पता है आप सबको, ये बहुत ईजी है यार, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया, डार्विन के फिंचर्स भी थे जो गैलापागोस आइलैंड के थे, नेचुरल सिलेक्शन तो पता ही आप सबको, डार्विन जो थे उन्होंने एचएमएस बीगल उस पर सवारी की थी, अलग अलग देशों में जो भी है कंटिनेंट्स में वो लोग घूमे थे, शिप का नाम क्या था, एचएमएस बीगल, ठीक है। उसके बाद थे लामार्क, लामार्क ने दिया यूज़ एंड डिसयूज़ थ्योरी, मतलब जो ऑर्गन्स यूज़ में वही आगे जाएंगे, जो डिसयूज़ में वो खत्म हो जाएंगे, तो लामार्क ने दिया। उसके बाद आते हैं थॉमस मैल्थस, थॉमस मैल्थस वर्क ऑन पॉपुलेशंस, थॉमस मैल्थस ने किससे वर्क किया, पॉपुलेशंस पे वर्क किया। ह्यूगो डिवराइस, ह्यूगो डिवराइस ने कहा सैल्टेशंस विच आर लार्ज स्टेप म्यूटेशंस, ह्यूगो डिवराइस ने क्या कहा, सैल्टेशंस, सैल्टेशंस क्या होते हैं, लार्ज स्टेप म्यूटेशंस। एम एस स्वामीनाथन ने दिया ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, डेवलप्ड शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग राइस वराइटीज, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले हाई यील्डिंग राइस वराइटीज। विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किसने किया था, विलियम हार्वे ने, और जो गुड ह्यूमर था कि मतलब टेम्परेचर हाई होना अच्छी बात है, ये डिस्प्रूव किया था विलियम हार्वे ने अपने ब्लड सर्कुलेशन के डिस्कवरी से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन, पता ही है फ्लेमिंग ने, अभी देखो आपने एक और देखा था फ्लेमिंग वहाँ पे, फ्लेमिंग और एक काम था वहाँ पे, क्रोमेटिन का नाम दिया था क्रोमेटिन, यहाँ पे डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नाम दिया था उसका, ठीक है। उसके बाद चेन एंड फ्लोरे, इन्होंने फुल पोटेंशियल एंटी इफेक्टिव एंटीबायोटिक बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, लेकिन चेन एंड फ्लोरे जो थे उन्होंने उस एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल ढूंढ निकाला। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला 1945 में, एनसीईआरटी में दिया हुआ ईयर इंपॉर्टेंट है, कब मिला नोबेल प्राइज, 1945। उसके बाद स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्शन किया, स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन किया 1972 में। 1972 में और क्या हुआ था, सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, कनेक्ट करो, स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्शन। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहते हैं, बताया मैंने आपको ये। गॉस, गॉस ने क्या दिया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, मतलब जो स्पीसीज ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो दूसरे को एक्सक्लूड कर देगी, ठीक है। मैक आर्थर ने कहा फाइव वार्बलर्स को एग्जिस्ट, मतलब उन्होंने कहा कि कुछ स्पीसीज जो है को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, मतलब फाइव वार्बलर के जो स्पीसीज थे वो एक ही झाड़ पे को एग्जिस्ट करते हैं, ये किसने कहा, मैक आर्थर ने, को एग्जिस्टेंस, ठीक है। रॉबर्ट कोस्टन जो थे उन्होंने प्राइस टैग लगा दिया पूरे नेचर के सर्विसेज पे, कितना था वो प्राइस टैग, $33 ट्रिलियन, कितना, $33 ट्रिलियन वो प्राइस था, रॉबर्ट कोस्टन ने जो प्राइस लगाया हुआ था। अब आते हैं लास्ट पेज पे, एडवर्ड विल्सन
ठीक है, उन्होंने टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज किया। एडवर्ड विल्सन कौन थे? सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। उसके बाद रॉबर्ट मे, रॉबर्ट मे ने टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने कहा थे? 7 मिलियन। रॉबर्ट मे ने कहा पूरे दुनिया में एस्टिमेट किया कि 7 मिलियन स्पीसीज है, मतलब 70 लाख। वॉन हम्बोल्ड, उन्होंने कहा दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। क्या दिया? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। पता है आपको इक्वेशन एस इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। पॉल एलरिच गेव रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? पॉल एलरिच ने। ठीक है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? पॉल एलरिच ने। डेविड टिलमैन ने दिया था इंक्रीज डाइवर्सिटी हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब टिलमैन ने कहा किया था कि जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा, जितने ज़्यादा स्पीसीज होंगे उतनी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। हैच एंड स्लैक ने दिया था C4 साइकिल, जिसे हम कहते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे, इजी। मेलविन केल्विन, इन्होंने दिया था C3 साइकिल, इन्होंने यूज़ किया था कार्बन 14 का आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है। इसके बाद एरविन चारगाफ ने दिया था चारगाफ्स रूल, पता ही आपको A:T रेशो इजिकल टू G:C रेशो 1 होता है, मतलब A जो है वो T के बराबर है, G जो है वो C के बराबर है, ये सारे पता ही आपको। तो ये दिया था चारगाफ ने, एरविन चारगाफ ने। तो यही आपका अपना साइंटिस्ट के सारे नाम खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कंसाइज वीडियो PDF चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, बाय बाय, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।